जिंदगी की धूप रोज बदलती है, आज तेरी धूप तो कल मेरी धूप भी हो। तो गाइस वापस से हनी सिंह ने भी रिप्लाई कर दिया है बादशाह को, जहां बादशाह एक लाइव कॉन्सर्ट कर रहे थे तो उसी के अंदर हनी सिंह को सीधा ही रिप्लाई कर दिया था कि कुछ वहां उनके फैन पहुंचे थे तो उनको सीधा ही बोल दिया था कि मैं कुछ लिरिक्स लिख के दे रहा हूं, तुम्हारा पापा का कम बैक हो जाएगा। वो वीडियो आप देखिए। तुम भी आए हो क्या? एक पेन और पेपर देना, गिफ्ट लाया हूं तुम्हारे लिए, कुछ लिरिक्स लिख के दे देता हूँ, पापा का कमबैक हो जाएगा तुम्हारे का। और इसी के बाद जब हनी सिंह कहीं कॉन्सर्ट कर रहे थे तो इसी का रिप्लाई देते हुए बादशाह को उन्हें सीधा ही क्या कह दिया, मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। लाइन आपके किसी का कद नहीं देखा जाता, जिंदगी की धूप रोज बदलती है, आज तेरी धूप तो कल मेरी धूप भी होगी। और मेरे को सब बोलते हैं जवाब दो, रिप्लाई करो। मैं क्यों रिप्लाई करूं? तुम लोग ऑलरेडी उसकी गांड में बाजू देख रखे हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम लोग क्रेजी हो, हनी सिंह पागल है, उसके फैंस और पागल है। दिखाई जाती है और इंस्टाग्राम पे सपोर्ट और यूट्यूब पे सपोर्ट दिखाने से ये चीजें सही नहीं हो। तो कहेगा इस अज्जू 007 और एलविश यादव के बीच में लफड़ा चल रहा है, जहां पर रिसेंटली एलविश यादव जेल के अंदर थे और वहीं पर अज्जू 007 ने ना इंस्टाग्राम पे ना यूट्यूब पे उनकी कहीं बात की ना और कुछ किया, तो इसी पर अज्जू 007 को काफी ज्यादा हीट मिल रहा था। तब उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है और आप सबके एक चीज को लेकर कॉमेंट्स और भी आ रहे हैं। भाई मैं एक चीज बोलूंगा आपको, समझदार के लिए सारा काफी है, सारी चीजें नहीं बताई जाती, सारी चीजें नहीं दिखाई जाती और इंस्टाग्राम पे सपोर्ट और यूट्यूब पे सपोर्ट दिखाने से ये चीजें सही नहीं होती, तो थोड़ा सा मैच्योर बन जाओ। मुझे पता है कुछ ऐसे बालक भी है जो 15-16 साल के, 17-18 साल के, उनको लगता है इंस्टाग्राम पे डालने से सब कुछ सही हो जाता है। नहीं भाई, ये चीज़ें सही नहीं होती।